नांदेड़ में 21 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का अशोक चौहान के हाथों संगे बुनियाद रखा गया। नांदेड़ के प्रभाग नंबर 7, 8 और 18 में साहित्य रत्न अन्नाभाव साठे शहरी बस्ती सुधार योजना के तहत इन कामों को शुरू किया गया है। प्रभाग नंबर 7 और 8 के महात्मा फुले मार्केट से रमा माता हाउसिंग सोसाइटी मेन रोड, डॉक्टर अंबेडकर नगर कॉर्नर तथा जय भीम नगर से काबरा नगर और डॉक्टर अंबेडकर नगर पानी की टांकी से गणेश नगर मेन रोड के सीसी रास्तों और नालियों की तामीरात की जाएगी। इसी तरह प्रभाग नंबर 18 में पक्कीचाल पुलिस चौकी से चोनाल नाला, वहां से वेपना केंद्र तक की सड़क का भी संगे बुनियाद अशोक चौहान के हाथों रखा गया। इस प्रोग्राम में मेयर मोहिनी विजय एवनकर, रुकन असेंबली अमरनाथ राजुरकर, मोहन हमरडे, साबिक वजीर डीपी सावंत, बलिया कमिश्नर सुनील लहाने, डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान, चेयरमैन वीरेंद्र सिंह गाड़ीवाले, इलाके के कारपोरेटर अब्दुल अलीम खान, दुष्यंत सोनाड़े, संगीता पाटिल, मुंतजीब उद्दीन, नांदेड़ कांग्रेस के नायब सदर विलास धबाले, संदीप सोनकांबड़े, वार्ड नंबर 18 के कारपोरेटर सैयद शोएब हुसैन, अब्दुल फहीम, दीक्षा धबाले और जितुस्ना गोड़बोले वो दीगर मौजूद थे। दलित बस्ती सुधार फंड से तकरीबन 21 करोड़ रुपए के काम शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें सड़कों की तामीर और सीसी नालियों की तामीर का काम शामिल है। अशोक चव्हाण तुमचा पालकमंत्री, तुम्ही चिंता करायचं काम नाही। तुमच्या ज्या काही कामाला गरज असेल त्याला मी पूर्णपणे निधी 100% देईन। 170 कोटी पेक्षा जास्त पैसा नांदेड शहराच्या प्रमुख रस्त्यांना मी दिल्याशिवाय राहणार नाही कि मला मुद्दा मी या ठिकाणी सांगितलं आहे। चिंता करू नका। ऊपरवाला जब देता है, मैंने दिया ना, ऊपरवाला दे रहा है। ऊपरवाला जब देता है तब छप्पर फाड़ के देता है। त्यामुळे नांदेड शहराच्या विकासाच्या कामाला आता कमी पडणार नाही। सरकार आपलं आहे, काँग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना तिघांचं मिळून हे सरकार आहे आणि म्हणून नांदेड शहराच्या विकासाच्या कामामध्ये स्वतः माझं लक्ष। अशोक चव्हाण उगाच फालतू बोलत नाही, जे बोलतो ते करून दाखवतो की मला मुद्दाम सांगितलं पाहिजे आणि जे बोलायचं करायचं तेवढंच बोलायचं, उगाच फालतू बोल उपयोग नाही। त्यामुळे जे मी कबूल केलेलं आहे ते काम मी करणार आणि ती काम माझी नगरसेवका, तुम्ही नांदेड शहराचा पूर्ण विश्वास, नांदेड शहरामध्ये 82 पैकी 78 मेंबर आज काँग्रेस, एवढा तुम्ही जोरदारपणे क्लीन स्वीप करून टाकला त्यावेळेस, त्या माझी अपेक्षा आहे, देणार दुसरं कोणी नाही, देईल तर अशोक चव्हाणच देईल, लक्षात ठेवा। आणि त्याच पद्धतीने एक आम्ही दुसरं कोणी ऐकूच नका, आम्हाला आमच्या डोक्यात स्वार्थ नाही आहे।